हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू। जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। बच्चों आपका स्वागत है। पहले आपको दिवाली के पहले हमने सूचना दी थी बच्चों कि हम ऑफलाइन क्लास चालू करेंगे, पर अब बच्चों जो गवर्नमेंट ने सिचुएशन दी है उसके मुताबिक पहले फाइनल ईयर स्टार्ट होगा और उसके बाद एफआईएस का स्टार्ट होगा, तो हम जो गाइडलाइंस है उसका पूरा पालन करेंगे बच्चों। तो एक का दिख में आपको बुलाने वाले, पर उससे पहले बच्चों ऑनलाइन में कोई लॉस ना हो इसलिए आपके लिए टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, बैंक अकाउंट इन कॉर्पोरेट अकाउंट। अब यहाँ क्लास में जब होते हो बच्चे, तो पहला क्वेश्चन मेरा होता है कि बैंक में कितने बच्चे गए हैं, तो सब बात ऊपर करते हैं। बैंक में पैसे भरना या उपाड़ना ड्रॉ करना किसी को आता है? तो हाँ, पापा का एटीएम कार्ड यूज करो, पैसे आते हैं तो कितना मजा आता है, पेमेंट करने में दिक्कत होती है। तो बच्चों बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसका यूज मोस्टली अब लाइफ में कंपलसरी हो चुका है, और जब से नोटबंदी आई बच्चों बैंक का जबरदस्त यूज हो रहा है। अब बच्चों टाइम वेस्ट ना हो इसलिए टॉपिक में जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो मटेरियल कॉपी के अंदर पेज नंबर 63 में रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है? तो मैं मात्र एक्सप्लेन करूंगा और एग्जांपल पे जाऊंगा बच्चों विदाउट वेस्टिंग टाइम। 17 दिसंबर मेरे सामने बच्चों, और इसके बाद अभी दो टॉपिक चला रहे, तो लॉस ना हो इसलिए बच्चों ले रहा हूं मैं। अगर एग्जाम पीछे गई बच्चों तो ऑफलाइन के अंदर मैं रिपीट करूंगा, आप जरा भी टेंशन मत लो, ठीक है? चलो बच्चों, मैं बैंक में तो इतने बच्चे गए तो 50% आपको करेंगे, मैं बोलूं बैंक का मीनिंग क्या है। तो आप बैंक में क्यों जाते हो मित्र? पैसे लेने और पैसे देने। तो बैंक का सिंपल में मीनिंग बोलना हो बच्चों, तो बैंक मींस टू गिव मनी, टू एक्सेप्ट मनी, टू इन्वेस्ट मनी। पैसे लेना, देना और उसे बाजार में इन्वेस्ट करना। क्यों बच्चों? तो जैसे आपने बैंक में सेविंग्स अकाउंट खुलवाया, एफडी करवाया, आपने 1,00,000 रुपए एफडी करवाए, बैंक को आप 60% ब्याज देने वाले बैंक आपको, अब वो पैसे का बैंक पूजा करेगी नहीं बच्चों, वो बाजार में कहीं ना कहीं उसे इन्वेस्ट करेगी, शेयर बाजार में, सिक्योरिटीज में, जहां उसको 10-12% रिटर्न मिलेगा उसमें से वो 60% आपको देगी। तो बैंक देखना बच्चों, आपको ब्याज देना हो तो कम देगी, 60%, 8%। पर आपने मकान के लिए लोन लियो, कार के लिए लोन लियो, तो ब्याज कितना होगा मित्र? 11-12%। तो सोचो, लेने का पैसा लेते समय ब्याज 60%, देते समय 12%, तो बीच में 7 और 12 के बीच में जो 5 या 6% होता है बच्चों, वो बैंक की बटर क्रीम इनकम है। तो बैंक का मीनिंग एक लाइन में बोलना हो तो डोनेट मनी, टू एक्सेप्ट मनी एंड टू इन्वेस्ट मनी बाय कैश, चेक और ऑर्डर। चेक से, कैश से और ऑर्डर से बैंक पैसे लेती देती और इन्वेस्ट करती है बच्चों। नाना नो व्यवहार करो, मेन बैंक का मीनिंग है बच्चों टू टेक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, ठीक है? और अब बच्चों आप सबको पता होगा चोरियां बहुत होती है, आज लोग बैंक के अंदर ही पैसे रखते हैं, 500 रुपए पेमेंट करना हो एटीएम से, पेटीएम से, मोबाइल से पेमेंट करते हैं बच्चों, फोन पे से, गूगल पे। तो आज बच्चों बैंक ट्रांजेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन अवर लाइफ। तो बच्चों ऐसा कह सकते हैं प्रैक्टिकल टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हो, बैंक अकाउंट। तो आज बच्चों बैठे बैठे मैं एसबीआई बैंक पे जाना है समझ लो, ठीक है? तो सबसे पहले बैंक का मीनिंग क्लियर हो बच्चों, उसके सिवा बैंक के बहुत सारे फंक्शन है, पेज नंबर 63 में मटेरियल में दिया बच्चों, एक एक फंक्शन में यहाँ समझा दूं। टू एक्सेप्टिंग मनी, टू एक्सेप्टिंग डिपोजिट, सॉरी, बैंक आपसे, आपके पास से तीन प्रकार से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, एक सेविंग्स अकाउंट में पैसे डालते हो, सेकंड करंट अकाउंट व्यापारी हुए तो, और थर्ड एफडी। सेविंग्स, करंट और एफडी, ये तीन सोर्सेस से बैंक आपके पास से पैसे लेती है, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, पहला कार्य। सेकंड, टू गिव एडवांसेस, गिव एडवांस, आपको बैंक में से पैसे लेने होते हैं, जैसे विड्रॉ करते हो बच्चों, लोन लेते हो, कैश लेते हो, कैश क्रेडिट लेते हो, ओवरड्राफ्ट लेते हो, बैंक में जो पैसे उससे ज्यादा पैसे ले रहे हो उसे ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। किसे देती है बैंक? मर्चेंट व्यापारी को। धारो कि मैं रेगुलर व्यापारी हूं बच्चों, मेरे अकाउंट में 1,00,000 है और मुझे 2 दिन के लिए 1.5 लाख चाहिए, तो बैंक मुझे एक्स्ट्रा 50,000 देते, उसे ओवरड्राफ्ट कहते हैं। कैश क्रेडिट, वो भी व्यापारी को दिया जाता है, लोन, मकान के लिए, किसी के लिए आप देख सकते हो। उसके बाद बच्चों बैंक का मेन तीसरा कार्य इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों वर्ड मीनिंग के अंदर आ गए। तो बैंक बच्चों आपके पैसे कहीं ना कहीं शेयर बाजार में, कोई सिक्योरिटीज में, गवर्नमेंट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जिसके ऊपर बैंक को ब्याज मिलता है, जो बैंक की मेन इनकम है। फोर्थ, ट्रांसफर ऑफ मनी, ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है बच्चों। जैसे मुंबई मेरा एक रिलेटिव है, मुझे यहाँ से पैसे भेजते हो बच्चों, तो मेरे अकाउंट में से मैं डायरेक्ट ट्रांसफर करूँ, अब तो मुंबई से होता है बच्चों, पहले के जमाने में नहीं होता था, मेरा जमाना बता दो। जैसे मैं पहले क्या होता था बच्चों, मुझे माउंट आबू घूमने जाना है, रात को हम गाड़ी में बैठे, पैसे जेब में रखे, 50,000 लिए थे, रात में चोरी हो गई, वहां पहुंचे तब तक खाली,
लोग पहले क्या करते थे बच्चों, ये ट्रांसफर मनी का सर्टिफिकेट भरते थे। जैसे मैंने यहाँ गांधीनगर की बैंक ऑफ बड़ौदा का 50,000 रुपए डिपोजिट करा, उसका सर्टिफिकेट ले लिया। अब मैं जैसे माउंट आबू पहुंचूंगा बच्चों, रिसिप्ट प्रेजेंट करूं, तो माउंट आबू की बैंक मुझे 50,000 रुपए वहां से दे देगी, तो मुझे पैसे लेने का जोखिम नहीं लेना पड़ेगा। पर आज के जमाने में तो बच्चों पता है, एटीएम थ्रू, फोन पे थ्रू, गूगल पे, तो कभी भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। उसके बाद है सिक्योरिटी सर्विस एज ए एजेंट। अब बच्चों आपको पता होगा, आपको कोई कंपनी के शेयर खरीदते हो तो कैसे खरीदे जाता है, बैंक में क्या होना चाहिए, डिपेंड लगाओ। अब मुझे सपोज रिलायंस के शेयर खरीदते हो तो मैं रिलायंस वाले के घर जाऊंगा, मुझे पता ही रिलायंस कंपनी का है। पर मेरे और रिलायंस कंपनी के बीच एज अ एजेंट बैंक डिमेट अकाउंट खोलती है, जिसका बैंक भाड़ा कमीशन देती है और बैंक मुझे रिलायंस कंपनी के शेयर देता है। जैसे मैंने 50,000 शेयर खरीदे तो उसके पैसे मैं डिमेट अकाउंट में डालूंगा, डिमेट अकाउंट में से ऑटोमेटिक रिलायंस में पहुंच जाएंगे। तो सर्विस एज अ एजेंट। उसके बाद बच्चों डील्स इन फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है मित्र, यहाँ से आपको ऑस्ट्रेलिया जाना हो, दुबई जाना हो, हाँ यहाँ आपके पास रुपीज, उसको डॉलर में कन्वर्ट करना हो, तो बैंक में जाओ, 1,00,000 रुपए तो डॉलर में कन्वर्ट करो, तो फॉरेन एक्सचेंज मनी ट्रांजेक्शन का कार्य भी बैंक करती है। उसके बाद है बच्चों सर्विस ऑफ सेफ डिपॉजिट वॉलेट। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस है आज के जमाने में। आप लोग इसे जानते हो लॉकर। आज बच्चों हमारे घर पे कई बार हमने सुना होगा चड्डी भरी अंधारी बैंक कार्ड की, रात को फैमिली आराम से छत पे सो रहा था और घर में गटर गटर करके सारे पैसे चाऊ कर गए, 50,00,000 रुपए चोरी हो गए। तो ऐसा ना हो इसलिए लोग क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ज्वेलरी, पैसे, ब्लैक मनी, कार्टून और कहाँ रखते हैं, बैंक के अंदर एक स्पेशल तिजोरी जैसा खाना होता है बच्चों, जिसे कहा जाता है लॉकर, सेफ डिपॉजिट और इसका रेंट बैंक लेती है बच्चों। उसकी एक मास्टर की होती है, एक की मैनेजर के पास होगी, एक आपके पास, दो की लगाओगे तभी वो लॉकर खुलेगा, बाकी लॉकर खुलेगा नहीं। उसमें बच्चों आपने एक खाली थैली रखी है, वो भी ऐसी रहेगी, उसके अंदर कितना पैसा आपने रखा है, क्या रखा है, उसका कोई नोटिंग नहीं होता है। मैंने बच्चों जो फर्स्ट टाइम लॉकर खुला अनसाई बोल मुझे भी डाउट था, तो मैंने एक फटी हुई थैली रखी थी अंदर 15 दिन के लिए, और फिर मैंने 15 दिन के बाद चेंज किया, फटी हुई थैली है सही खोल वाली थैली थी, क्योंकि मुझे डाउट था। तो इसके अंदर बच्चों कोई गिनती नहीं होती, इसलिए लोग क्या करते हैं ब्लैक मनी कार्डों नाणों का संग्रह करते हैं, पर सही में इसका यूज बच्चों चोरी बचाने के सिक्योरिटी के पर्पज से किया जाता है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ बैंक ओनली फॉर नॉलेज। आपको पता चले कि बैंक क्या क्या कार्य करती है, पैसे देती है, पैसे लेती है, इन्वेस्ट करती है, ट्रांसफर करती है मनी, एज ए एजेंट वर्क करती है, फॉरेन एक्सचेंज का काम करती है, सेफ डिपॉजिट वॉलेट, ये सारे फंक्शन याद दिए हो बच्चों। अब बच्चों बैंक का प्रैक्टिकल पार्ट आ रहा है। बैंक का रजिस्ट्रेशन हुआ बच्चों इंडिया में 1949 में, बैंक प्रोविजन एक्ट आया, बैंक का एक्ट आया। 1949 से पहले लोग क्या सोचते थे बच्चों, मैं आपको समझा रहा हूं। 1949 से पहले जब पहली बार बैंक आया तो लोग ऐसा सोचते थे हमारे पैसे किसी और के घर रखने जाना। पहले लोग क्या करते थे बताओ, घर में बच्चों पाछा खाटो खुदवानो, चलो तांबानो घड़ो है ने, चलो अंदर पैसा डाटी वगैरह डाटी डालता था याद है, क्योंकि पहले बच्चों बैंक थी नहीं, चोरी ना हो इसलिए लोग सोच रहे थे गड्ढा खोदा अंदर डाल दे। पर आज के जमाने में बच्चों लोग बैंक का यूज करते हैं। पहली बार बैंक आई तो लोगों से विचार हाँ अपना पैसा बीजेपी के रूप में, तो बैंक को नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला बच्चों, बहुत सारी बैंक भर हुई। फिर बच्चों गवर्नमेंट ने अंडरटेकिंग किया 1949 के अंदर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया और लोगों को गवर्नमेंट ने भरोसा दिलाया कि आपके पैसे बैंक में रखो, वो सुरक्षित रहेंगे और उसके ऊपर ब्याज मिलेगा। और बच्चों आज के जमाने आप जानते हो बैंक इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इवन किसी को 500 रुपए पेमेंट करना हो तो हम पेटीएम से करते हैं। इवन मैं बच्चों से जूस पीना हो 10 रुपए का तो भी पेटीएम से पीता हूँ, 15 रुपए पेटीएम से पेमेंट किया, 5 रुपए पेटीएम से पेमेंट किया, क्यों, वो बैंक में से करते हैं बच्चों। तो बैंक से ट्रांजेक्शन सेव हो जाते हैं बच्चों, चोरी होने का भय कम रहता है और वाइड ट्रांजेक्शन होता है। इसलिए आज बच्चों मोदी जी ने जब से नोटबंदी डाली तब से बैंक का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। फिर भी बच्चों कैश का ट्रांजेक्शन भी चालू है पर बैंक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ। अब बच्चों इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट है, तीन प्रकार की मेथड्स हमें बैंक एग्जाम में पढ़नी है। सबसे पहले है इंटरेस्ट ऑन डाउटफुल डेट, सेकंड रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, थर्ड ट्रांजैक्शन ऑफ लोन सीसीओडी लोन कैस्केड ऑर्डर एंड फाइनल अकाउंट ऑफ बैंक। ओ जब कंपनी ना फाइनल अकाउंट और बालक को बैंक ना पीएनएल में बैलेंस शीट सिखाना है, टेंशन मत लो, बहुत इजी पार्ट है। और मोस्टली बच्चों अब तक का इतिहास ऐसा है दोनों ऑप्शन में आता है। तो आज बच्चों मैं आपको खाली पहली मेथड का आइडिया देता हूं, हम सीखने जा रहे हैं, उसे कहा जाता है इंटरेस्ट ऑन डाउटफुल डेट, शकमंद लेना ऊपर ब्याज। अब ये पूरा मुद्दा क्या है मैं आपको समझा देता हूं बच्चों। तो बैंक में से बच्चों आपको पैसे लेने हो तो तीन प्रकार से बैंक पैसे देती है, लोन थ्रू, कैश क्रेडिट थ्रू, ओवरड्राफ्ट। अब जनरली जो मर्चेंट या व्यापारी होता है कस्टमर, बच्चों बैंक में से लोन लेता है। जैसे कस्टमर है, समझो एग्जांपल लेते हैं एक्स,
उसने 15 लाख की लोन ली बैंक से, कितने के मित्र 15 लाख की, 10 हजार का उसका पर मंथ बैंक ने ब्याज के साथ इंस्टॉलमेंट डाला है। अब एक्स नाम का कस्टमर उसने लोन ली बच्चों, पहला महीने 10 हजार रुपए भरे बैंक उस, दूसरे महीने 10 हजार भरे बैंक उस, तीसरे महीने पैसे भरेंगे, चौथे महीने भरेंगे, पांचवे महीने, अब 3 महीने बच्चों एक्स नाम का कस्टमर गायब हो गए। अब बैंक को डाउट हो गया है कि ये कस्टमर 10 हजार रुपए आगे भरेगा कि नहीं। तो ऐसे ग्राहक जिन्होंने बैंक में से लोन ली हो, कैश क्रेडिट ली, ओवरड्राफ्ट लिया और रेगुलर पेमेंट बैंक को ना करें, तो ऐसे कस्टमर का लिस्ट बैंक डाउटफुल लिस्ट में डाल दिए, जिसे कहा जाता है डाउटफुल कस्टमर। और इस प्रकार के कस्टमर के ऊपर जो ब्याज बाकी होता है बच्चों लोन के ऊपर, उसे बोला जाता है इंटरेस्ट ऑन डाउटफुल डेट, गुजराती में सकमन लेना ऊपर ब्याज। तो ऐसा जो भी ग्राहक है बच्चों, ऐसा हो सकता है कि भविष्य में पैसे है तो 4-5 हफ्ते एक साथ भर दे, या फिर इंसॉल्वेंट ना जा रहा हो और बैंक को चूना लगा रहे या कहीं भाग जाए। तो ऐसे कस्टमर जिन्होंने बैंक में से लोन ली हो, रेगुलर पेमेंट ना किया हो, इस प्रकार के कस्टमर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बैंक कैसे करती है कि इसका पूरा पार्ट आपको स्टडी करना है, जिसे कहा जाता है ऑब्जेक्टिव पार्ट 1 इंटरेस्ट ऑन डाउटफुल डेट। लास्ट 7 साल का एनालिसिस देखो बच्चों, एवरी ईयर बैंक अकाउंट में से मेथड का एग्जांपल आया, तो इसमें बैंक क्या करती है, सबसे पहले कस्टमर का अकाउंट बनाती है, मर्चेंट अकाउंट यानी मर्चेंट का लोन कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट का अकाउंट, व्यापार में खाता बनाता है। सेकंड इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि आपको जो इंटरेस्ट बाकी है वहां डालना है इंटरेस्ट। और थर्ड इंटरेस्ट ऑफ रिसीवेबल, अगर कस्टमर डेंजर हो गया है तो उसके लिए टेंपरेरी अकाउंट बनाती है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, या अच्छा उपलब्धता तो 11 मंथ में बैलेंस शीट ना मिले ले गए सस्पेंस अकाउंट उपलब्धता तो। तो 3 अकाउंट और 5 एंट्री के साथ बच्चों बैंक पूरा अकाउंटिंग करती है इंटरेस्ट ऑन डाउटफुल डेट का, टोटल इसकी वैल्यू है बच्चों 7 मार्क। अब ये जो मैंने आपको थियरी समझाई बच्चों, यहां समझा, इसके बाद ये समझाऊंगा, सब आपको पैम्फलेट के अंदर लिख के दिया है पेज नंबर 63 पे। और जो 17 दिसंबर का प्रेशर है बच्चों समझ सकते हो, तो मैं ऑफलाइन आपको दिवाली के बाद पढ़ाऊंगा, और जो स्थिति है बच्चों उसमें टाइम हमारे पास है नहीं और एग्जाम टाइम पे होगी, हां पीछे होगी तो मिल रिपीट, ठीक है। पर बच्चों जो ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, जो उनसे उनको लॉस में, उसमें मेरी फर्ज है बच्चों कि मैं आपको टॉपिक समझाऊं। तो अब बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट मेथड इंटरेस्ट ऑन डाउटफुल डेट। नजर बोर्ड पे ध्यान से मित्र, चलो एक सिंपल एग्जांपल के साथ बैंक अकाउंट की बिल्कुल शुरुआत। नजर बोर्ड पे मित्र अब बोर्ड रख कर ले बच्चों, Page number 287 as per notebook, sum number 1 जिसका नाम है मिस्टर अशोक, नाम में लिखते हैं बच्चों। मेथड का नाम क्या है, इंटरेस्ट ऑन डाउटफुल डेट, कंप्लीट ना मित्र? यस सर। चलो शुरू करिए बच्चों, एक का एग्जांपल चला लेते हैं, चला बच्चों वधर ऐड नहीं कर दूंगा, धीरे-धीरे डोज आप इस बराबर, जो आपका मार्केट में बैंक सौथी अगलो चैप्टर लागे बताएं खरे घर को પણ તમને લખી નાખો છો તો કોર્પોરેટ એકાઉન્ટ માં વેલ્યુએશન ઓફ ગુડવિલ સરમાં જેટલી વજાય બટલો એટલું ઈઝી ચેપ્ટર છે, બટ યુ હેવ ટુ વર્ક હાર્ડ, મહેનત કરશો તો કામ થશે, બાકી પૈસા રસ રૂપિયા નહીં થાય। રેડી, પેજ નંબર 287 ફુલ સ્કેપ બુક મટીરીયલ કોપી અને કેલ્ક્યુલેટર સાથે જોઈન થઈ જાઓ। ધ લોન લેજર બેલેન્સ ઓફ મિસ્ટર અશોક એઝ ઓન 31 માર્ચ 2018 અમાઉન્ટ ઇઝ 60000। એક ગ્રાહક છે મિસ્ટર અશોક, ઉસને બચ્ચો લોન લીએ 60000 રૂપિયા, કિતને કી લોન હે મિત્ર 60000 રૂપિયા કી। The financial position of this customer is doubtful. Oh, ग्राहक डेंजर देख रहे हो बड़ा को, यानी हमें पता नहीं है 60000 रुपए देखा कि नहीं आगे। The interest on due loan account for the 17-18 amounted 4000. पूरे साल का ब्याज 4000 रुपए बाकी है। 60000 की लोन और 4000 ब्याज कितना हो मित्र? 64000। अब ये ग्राहक 64000 देगा कि नहीं देगा, आगे जाते हैं। During May 2018, Mr. Asom declared insolvent. लो जी आप ये तो भाई भिखारी जैसी हालत, दादा हो जाएगा दादा, भिखारी जैसी हालत। And bank received only 75 पैसे ना रुपी, एक रुपया सामने 75 मित्र, तो 100 सामने कितना दिया? 75%, 64,000 में 75% निकालो मित्र। 48,000। ओह यानी 64,000 में से बच्चों मात्र 48,000 मिलेंगे, बाकी के गए नुकसान, आगे जाते हैं।
पास नेसेसरी जनरल एंट्री टू गिव द अबव इफेक्ट एने एंट्री मांगी है बच्चों पर मारो टारगेट है तुमने एंट्री एंड अकाउंट बनने सिखवाड़ो नेक्स्ट सम आप जो ही सको जो बे नंबर हो बच्चों एंट्री एंड अकाउंट पर मैं इसके अंदर आपको पूरा वर्क सिखाने जा रहा हूं नजर बॉटम में तरफ सबसे पहले हम बनाएंगे मर्चेंट का अकाउंट मिस्टर अशोक भाई का नाम क्या है मिस्टर अशोक अकाउंट या दूसरा नाम लेना हो तो मर्चेंट अकाउंट कैसे बनेगा तो चाइनीज में पर्टिकुलर डेट आएगा ना फर्स्ट इसमें यस बैंक में डेट बहुत इंपॉर्टेंट उसके बाद पर्टिकुलर उसके बाद रुपीस रुपीस में थोड़ा बढ़ा लेते हैं बच्चों उसके बाद डेट फिर से फिर पर्टिकुलर एंड डेंजरस रुपीस पहला अकाउंट बनाएंगे बच्चों लगभग 10-1 लाख सेकंड अकाउंट थोड़ी जगह छोड़ के बनाएंगे इंटरेस्ट एंड सस्पेंस देख लेते हैं इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट एसपीएस ईएमएसई इंटरेस्ट एंड सस्पेंस अकाउंट सेम यस नजर बटन मित्र तीसरा बनाएंगे चेक करो मित्र कटता हूं इंटरेस्ट अकाउंट बच्चों हर एक में लिखेंगे हम डेट पर्टिकुलर रुपीस डेट पर्टिकुलर रुपीस ठीक है डेट पर्टिकुलर रुपीस डेट पर्टिकुलर रुपीस ठीक है बच्चों रेडी तीन अकाउंट ड्रॉ करने हमें और वर्किंग के अंदर ध्यान पेज नंबर 287 मार्चो अनुसार ऊपर बच्चों द लॉन लेजर बैलेंस ऑफ मिस्टर अशोक एज ऑन 31 मार्च 1860 31 मार्च 18 को बैलेंस आ गई जो बच्चों 60,000 आपको क्या करना है ये साल के अंत का बैलेंस है पूरे साल के मैच की एंट्री के लिए जो साल का बच्चों आपको बैलेंस दिया उसके शुरुआत में जाना है मित्र 31 मार्च 18 वर्ष पूरा है शुरू कहना था पीछे जाओ तो 1417 यहां डेबिट साइड लिखेगा 1417 टू बीडी लोन का ओपनिंग बैलेंस मर्चेंट अकाउंट में कितना लिखूंगा बच्चों 60,000 डाउट है किसी को आ रीते 60,000 रुपए बैलेंस रखो ओके चल उसके बाद बच्चों सबसे पहले हमें फर्स्ट ईयर की एंट्री करनी है फर्स्ट ईयर 2017-18 इंटरेस्ट हूज रिकवरी इज डाउटफुल ऐसा ब्याज जिसकी रिकवरी डाउटफुल है कितना ब्याज है मित्र 4,000 रुपए अब जनरली ब्याज कहां जाता है इंटरेस्ट अकाउंट पे ग्राहक डाउटफुल है हमें पता ही नहीं बच्चों ब्याज देकर गिरे तो ग्राहक के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे मर्चेंट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट वैल्यू 4000 ध्यान से देखना मित्रों मर्चेंट अकाउंट में डेबिट साइड टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट 4000 डेट 31 मार्च 18 ध्यान देना साल के अंत की और सस्पेंस अकाउंट फिर से जमा बाजू 31 मार्च 18 बाय इंटरेस्ट अकाउंट वैल्यू 4000 अब बच्चों एंट्री नेक्स्ट ईयर होगी 18 इसलिए जैसे फर्स्ट ईयर में एंट्री डालो पहले जो ओपनिंग बैलेंस रखवानो तारीख शुरुआत में ब्याज देखा अकाउंट बंद कर दो ये मैंने आराम से फर्स्ट ईयर बंद किया 64 ये मैंने बंद किया 64 ये मैंने बंद किया 4000 ये बंद किया यहां डेंजरस 4000 अब इसको ट्रांसफर करना है बच्चों बाय सीडी 31 मार्च 18 वैल्यू आएगी 64000 तो इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों खाली ब्याज नहीं एंट्री मार्ट पहले वर्ष ओपन कर रहा हूं सीडी और नेक्स्ट ईयर के लिए क्या होगा एक दिन के बाद 1418 टू बीडी 64 अब बच्चों ब्याज के साथ 64000 का क्या हुआ वो यहां नोटिंग होगा इसको मैं बंद कर दो ये 4000 जाएंगे टू सीडी सीडी का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड और एक दिन छोड़ के यहां ईयर ओपन करके 1418 बाय पीडी अब 4000 में बच्चों कितना पैसा मिला नहीं मिला वो यहां होगा ये हो गया फर्स्ट ईयर का एंट्री अब इसके बाद बच्चों सारी एंट्री होगी सेकंड ईयर में नजर बॉटम मित्र चलो सेकंड ईयर के लिए क्या करोगे बच्चों सेकेंड ईयर में सेकंड पर रहा
During the May 2018, Mr. Ashok was declared insolvent and the bank received only 75 SLOP. Second entry, when cash received from merchant. Merchant yani vyapari, Mr. Ashok. यहाँ बच्चों मिस्टर अशोक अकाउंट भी लिख सकते हैं, ध्यान देना, दोनों का मीनिंग सेम ही है। चलो मर्चेंट ने कितने पैसे दिए बच्चों? 75 पैसा ना रुपए, 75 पैसा लगवाया था, 75 टका, 64,000 टोटल रुपए, उसका 75% निकाला तो कितना? 48,000 अथवा दूसरे में 64,000 × 0.75 निकाला तो मित्र आ जाता है बोलो 48 रुपया रोकड़ा में रख के एंट्री करो बच्चों, कैश आएगा आपके पास। अब बैंक के ऑनर हो, कैश अकाउंट डेबिटेड 48,000 टू किसने दिए? क्रेडिट टू की मर्चेंट अकाउंट, आप ना ले जमा करो। कैश अकाउंट सिलेबस में नहीं है, मर्चेंट अकाउंट है। हाँ ये लिखा यहाँ जमा साइड बाय कैश 48,000। डेट कौन सी रखे हो? मे नीचे लिखा है बच्चों, मे यानी 5/18 तारीख में लिखी है। आगे जाए बच्चों, बस आगे तो अकाउंट पूरे हो गए बच्चों। अब एंट्री नंबर 3, व्हेन बैड डेट ऑन लोन, लोन पर बैड डेट। अब ये बच्चों से बोल करें लोन पर बैड डेट पर बच्चों से क्या 64 में से 48 लेस करो मित्र 16,000 मार्क कटिंग, जीरो मार्क पड़े। क्या ये बच्चा ये नहीं देखता है 64,000 मित्र लोन है ना, लोन प्लस इंटरेस्ट। यहाँ एंट्री किसकी है? बराबर वर्ड पकड़ो बच्चों, लोन नो नुकसान जो है, लोन किसे की है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 60,000 रुपीज है लोन। अब उसमें कितने पैसे मिले बच्चों? 75%, तो कितने नहीं मिले? इसका 25% ले लो, 25% निकालो मित्र 15,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तो मित्र आपने बोला था 16,000 जीरो मार्क में थे, तो आप ध्यान रखो बड़े को लोन बाहर रखोगे और ब्याज अंदर नहीं ठोकोगे जीरो मार्क पे। बैड डेट की एंट्री क्या होगी बच्चों? बैंक आपको चैप्टर मगज में फिट कर रहे जो एंट्री एंड अकाउंट बनने को कॉम्बिनेशन जो है ना, एंट्री मांगी तो भी वो अकाउंट कराओ, क्योंकि एग्जाम में अकाउंट और एंट्री बे बार आते हो जाए और घनी बार बनने भी चाहिए, तो बी केयरफुल परीक्षा में जो पूछा वो करना, पर अभी होमवर्क में आप लोग दोनों काम करो। और बैड डेट की एंट्री क्या होगी बच्चों? पहली बार आ रही है बैड डेट अकाउंट डेबिटेड 15,000 टू मर्चेंट अकाउंट। बैड डेट अकाउंट सिलेबस में नहीं है, मर्चेंट में जमा साइड बाय बैड डेट वैल्यू डेंजरस 15,000 डेट। अब बच्चों इसमें साल के अंत की दे देंगे, 1/4/18 को पूरा होता, पूरा कब होगा? 31 मार्च 2019। आगे जाए बच्चों, अब उसके बाद लास्ट एंट्री में सिखाने जा रहा हूं, ध्यान दे रहा बच्चों, 4 नंबर में व्हेन इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड नॉट रिसीव्ड। अब जो रिसीव हुआ और नहीं रिसीव हुआ उसकी एंट्री बच्चों कैसे करोगे, तो उसकी एंट्री मैं सिखा देता हूं। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेंजरस मर्चेंट अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट में सो कराऊं पटेल मित्र, टोटल ब्याज दिखना है 4,000। अब इंटरेस्ट अकाउंट में मॉडल कितना टका मर्ज है? 75%। 4,000 का 75% मिला और कितना नहीं मिला तो वो सस्पेंस में जाएगा 25%। सेटिंग करो तो मित्र सॉरी मर्चेंट में जाएगा, बोलो 3000 जे मॉडिफे इंटरेस्ट में जैसे ना जी मॉडिफे मर्चेंट में बराबर पोस्टिंग जो वाले को दो अकाउंट जो हमारे उधर के इंग्लिश होने में पोस्टिंग नहीं आता बच्चे को वे यूनिवर्सिटी को बोलते मार्क दे देना आप मेरे मत ध्यान जो ऐसे एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट में डेबिट साइड ऑपोजिट नेम टू इंटरेस्ट अकाउंट 3000 टू मर्चेंट अकाउंट वैल्यू 1000 टोटल मैच करो तो बच्चों हो जाता है। हाँ हो गया लो, तो ये आपका ऐसा बता रहा है कि 4000 के अंदर 3000 रुपए मिले और 1000 नहीं मिले। डेट 31 मार्च 2019। उसके बाद सेकंड एंट्री इंटरेस्ट अकाउंट में जमा हुआ 31 मार्च 2019 बाय इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट वैल्यू 3000 मर्चेंट अकाउंट में जमा हुआ 1000 ऑपोजिट नेम बाय इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। अब बच्चों बंद करो तो इसे एग्जिट हो जाता है वो ही जाना चाहिए, हो जाए तो सब करें 31 मार्च 2019। ये हो गया बच्चों आपका टोटल 64,000 के तीन टुकड़े, 48,000 लोन और ब्याज का रोकड़ा मिला, ये लोन के ऊपर बैठे और ये ब्याज के ऊपर बैठे।
अब बच्चों एक इंटरेस्ट अकाउंट बंद ना हो तो उसे जबरदस्ती बंद करना है, और बंद करके ब्याज कहाँ जाता है फाइनल अकाउंट में बच्चों? पीएनएल में, जिसको ले जाना है टू पीएनएल नन्नो खाते वैल्यू 3000। इसकी एंट्री करनी हो तो बच्चों यहाँ कर लो, यस कर दिखा मित्र, देन इंटरेस्ट अकाउंट क्लोज्ड, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड 3000 तो पीएनएल अकाउंट 3000। पूरे सिलेबस के अंदर बच्चों ये इंटरेस्ट एंड सस्पेंस वाले तीन अकाउंट और पांच एंट्री वाली मेथड है, इसपे टोटल 7 समय बच्चों, 7 में से 4 अपन तो मैं करवा दूंगा, सारे समय से हमको ना नेक्स्ट समय में आएगा बताओ, ये जो 75% दिए ना बच्चों को नहीं दिए होंगे, और वो ना दिए हो तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ सो दो जबरदस्त, बाकी बच्चों किसी की ताकत नहीं आपको रोक सके। दिस इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डाउटफुल डेट। अब बच्चों इसके बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि तीसरा क्वेश्चन आपको कर लोगे, होमवर्क में आ रहा है बच्चों, सम नंबर 3 होमवर्क सो कर दो, सम नंबर 3 उसमें भी मेरी पहली मदद, और बच्चों इसके साथ एक इलस्ट्रेशन दे दूं, यस इलस्ट्रेशन बच्चे करेंगे इसके बाद में, इलस्ट्रेशन नंबर 6 कर सकते बच्चों, उदाहरण 6 जो ओके पेज नंबर 287 बच्चों, सम नंबर 3 में थोड़ी मदद कर दो बच्चों, पेज नंबर 287 डेंजरस सौरभ, रीडिंग कर लेता हूं, श्री सौरभ इज अ कस्टमर ऑफ सेंट्रल बैंक, 31 मार्च 18 को लोन ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है 4 लाख रुपए, सबसे पहले 2BD 4 लाख लिखो 1417, उसके बाद बच्चों 18% पूरे साल का ब्याज बाकी है, जो मैं कहा दाखला ब्याज आपकी तो मैं ब्याज नहीं आती, अब ब्याज कितने महीने का बाकी है देखना पड़ेगा, पूरे साल का है हाँ, तो अब क्या करोगे, लोन की अमाउंट है बच्चों सम नंबर 3 में मदद छोड़ ध्यान दो, लोन कितना लीजिए 4 लाख के ऊपर 18% लो तो मित्र 72000 इंटरेस्ट डाल आ जाता है आंसर में, और पूरा आंसर बच्चों सामने दिया सही है। उसके बाद पेज नंबर 288 द बैंक एक्सेप्टेड 60% रूपी ऑन अकाउंट 60% बढ़िया कितना टका ना बढ़िया 40% नीचे देखो सौरभ अकाउंट इंटरेस्ट सस्पेंस इंटरेस्ट अकाउंट मांगे गुजरात डीवाई 96 100% रूपी और गुजरात 20 फावा टाइम का दाखला बढ़ को 100% पूछा है यहां तक रखते बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये मेथड के टॉप 2 या 3 क्वालिटी क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। 3 मेथड बच्चों इसको बराबर करना, ऑप्शन में पूरा फाइनल अकाउंट निकल जाता है, पर फाइनल अकाउंट भी मैं आपको अच्छी तरह करवाऊंगा बच्चों। ऑल द बेस्ट, जय माता जी। प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस।